जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली, अब आप सभी के ट्रेनिंग का टाइम नज़दीक आने वाला है तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको खाने में क्या क्या मिलता है या खाने का जो मेन्यू होता है उस पर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। बार बार मेरे दोस्त कुछ बोल रहे हैं कि सर आप एक बार खाने का मेन्यू भी हमको बता दें कि हमको खाने में क्या क्या मिलेगा ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग टाइम हमारा जो मेन्यू रहता है वो क्या क्या रहता है खाने का। तो आज का ये वीडियो स्पेशली इसी टॉपिक पर है कि आपके जो ट्रेनिंग टाइम का है आपका खाने का जो मेन्यू रहेगा तीनों टाइम का वो क्या क्या रहेगा और 7 दिन का क्या क्या आपका मेन्यू रहेगा। दोस्तों तो उसके साथ ही बता दूँ जितने भी SSC GD 2021 की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैंने जो दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी उस पर उससे संबंधित टोटल वीडियो और मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु इच्छुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने छोटे भाइयों में शेयर कर सकते हो। दोस्तों तो बात करते हैं मेन्यू की। तो संडे मंडे टू सैटरडे तक आपको मैं मेन्यू बताता हूँ नाश्ते का। सबसे पहले आपका जो ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू रहता है वो क्या रहता है, देखो एक दिन इडली रहता है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक दिन इडली, दूध, मॉर्निंग के ओनली ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, इडली साथ में दूध, फ्रूट या अंडा और बादाम, ये 5 चीज़ है ये रहती है एक दिन। इनमें से 3 चीज़ें कॉमन है, दूध, बादाम, फ्रूट और अंडा, ये 4 चीज़ कॉमन है, ठीक है, दूध, बादाम, अंडा और फ्रूट, ये 4 चीज़ कॉमन है, ये हमेशा आपको ब्रेकफास्ट में मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो इडली, एक दिन फिर पोया, एक दिन दलिया, एक दिन रोटी, एक दिन परोठे, और 5 दिन का हो गया, एक दिन का इडली हो गया, एक दिन परोठे हो गए, एक दिन वापस फिर से मतलब गोभी के या ना कोई परोठा या कोई स्पेशल और कुछ जैसे डिश होते हैं वो चेंज कर देते हैं, कई बार कई जगह परोठे मिलते हैं, कई जगह डोसा भी मिलते हैं, तो एक दिन की वो हो गई। तो ये ब्रेकफास्ट का आपका मेन्यू है, मतलब फिक्स ब्रेकफास्ट का ये रहेगा, 7 दिन में आपको इस प्रकार से मिलेगा ब्रेकफास्ट। इसमें दूध, फ्रूट, कोई भी फ्रूट रह सकता है, और अंडा और बादाम, ये कॉमन रहते हैं, बादाम की जगह कई बार काजू हो जाते हैं, तो बादाम काजू मतलब ड्राई फ्रूट्स पके रहते हैं। अब चलते हैं दोपहर के लंच में। लंच में क्या रहता है, लंच का खाना अच्छा इसमें रहती है 2 सब्जी, कोई भी 2 सब्जी हो सकती है, उसके अलावा रोटी, चावल, फ्रूट और दही भी रह सकता है, खीर भी रह सकती है, दही या खीर में से दोनों में से एक रहता है, तो इनमें से कोई एक मेन्यू में पक्का रहता है। 2 सब्जी में से एक मतलब जो ड्राई सब्जी जिसको बोलते हैं सूखी सब्जी, और एक रहती है तरी वाली सब्जी, उसमें तरी वाली में जैसे पनीर, मटर पनीर, आलू मटर भी हो सकता, सॉरी मटर पनीर, चिकन वालों के लिए चिकन, मटन भी होता है हफ्ते में एक बार, और उसके अलावा जैसे कढ़ाई पनीर, चिल्ली पनीर, पनीर की जो सब्ज़ी होती है वो, या दाल, वो मूँग दाल, इस प्रकार से मतलब हर रोज़ अलग अलग सब्जी मिलती है 7 दिन, और बैंगन भरता या अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनती है दोपहर में। 2 सब्जी रहती है, चावल रहते हैं, रोटी रहते हैं और फ्रूट रहता है, और ये दबा के दिया जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरी जो फ्रेंड है उनको 4 रोटी मिलती थी, 3 रोटी मिलती थी, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको फुल खाना मिलेगा, जितनी आपकी इच्छा है रोटी खाने की उतनी खा सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम में हम पूरे के पूरे यूपी राजस्थान वाले थे, सब रोटी खाने वाले थे, 800 का 800 बेच रोटी खाने वाला था, तो सभी की रोटी सफिशिएंट मिलती थी, जितनी खानी है उतनी खाओ। तो ये होता है दोपहर का मेन्यू, इसमें चेंज क्या होता, फ्रूट डेली रहता ही है तो ये चेंज नहीं होता, और दही लगभग दही रहता है, या दही नहीं रहता तो फिर खीर रहता है, तो इन दोनों में से एक चीज़ पक्का रहती है, खीर या दही में से। सब्जी मैंने आपको बता दी, इसके अलावा हाँ सलाद हो जाता है, पापड़ वापड़ हो जाते हैं, तो पापड़ सलाद एक्स्ट्रा, जैसे मिर्ची, किसी को मिर्ची खाना तो मिर्ची अचार, ये परमानेंट में इसमें चलते ही हैं, कई अचार खाने की भी शौकीन होते हैं उनको अचार भी होता है। हाँ बिरयानी भी बनती है, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, ये भी हफ्ते में बनती रहती है एक दिन, और जैसे भी कोई फेस्टिवल या कोई बड़ा मतलब त्यौहार आता है तो उस दिन मेन्यू ये बढ़ के कस्टर्ड और भी मतलब बड़ी बड़ी और भी बड़ा मेन्यू बन जाता है, जिसको बड़ा खाने बोलते हैं फौज की लैंग्वेज, कि आज बड़ा खाना है तो वो बन जाता है, तो वो भी और भी लजीज होता है। अब करते हैं बात शाम के खाने की। तो शाम के खाने में नॉर्मल दाल परमानेंट रहती है फिक्स, और उसके साथ में एक सब्जी, दाल परमानेंट रहती है 7 दिन दाल रहती है, वो दाल अलग अलग होती है, कभी उड़द की, कभी मूंग की, कभी
मोगर की, मतलब अलग अलग दाल चेंज होती रहती, तो दाल परमानेंट रहती है, रोटी परमानेंट रहती है, चावल परमानेंट रहते हैं, सलाद परमानेंट रहता है, खीर परमानेंट रहती है, और सब्जी, एक सब्जी है वो हर रोज़ चेंज होती रहेगी, कभी किसी दिन इस कोई भी सब्जी या कोई भी सब्जी, अलग अलग प्रकार से सब्जी चेंज होती रहती है दोस्तों। तो मतलब ये मेन्यू रहता है आपके ट्रेनिंग के दौरान। तो खाने का मेन्यू और फ्रूट भी रहता है कई बार शाम को, मतलब फ्रूट भी रहता है, तो दिन में दो या तीन, दो टाइम फ्रूट रहता है, दोपहर में नहीं तो फिर शाम को फ्रूट रहता है। तो ये मेन्यू रहने वाला आपका, तो आई थिंक कि खाने में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी खाने की आपको कमी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान आप जितना खाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। जो खाने में कंजूसाई नहीं करना कभी भी ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपके शरीर से उतनी वर्जिश ली जाती है कि आप कुछ भी खा लो और चाहे कितना भी खा लो आपको कम पड़ेगा, आप पूरे दिन भूख आपके पेट में से जाएगी नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत होती है, पूरे दिन भाग दौड़ चलती रहती है, तो इतनी मेहनत होती है, तो इसलिए भूख प्यास आपके पेट से जाएगी नहीं। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना भिगो के ट्रेनिंग के दौरान, आपको पैसा मिलता ही है हर महीने, तो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना, साथ में दूध, मतलब कैल्शियम वाली चीज़ें आप ज़रूर खाना। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है आर्मी या फौज की, जो CRPF, BSF, ITP या किसी की भी फोर्स की आप ट्रेनिंग ले लो, उसके जो पहले 3 महीने होते हैं, इनमें जो सब सीन पेन सबसे ज़्यादा होता है, और जो सीन पेन सबसे ज़्यादा होता है तो आपको आगे की ट्रेनिंग में फिर रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी, कोई भी एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ट्रेनिंग के जो पहले 3 महीने, इसमें खाने की अनुसाई नहीं करनी, फ्रूट भी खाना और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खाना जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। जो अंडा खाने वाले हो तो अंडा खा ही सकते हैं, तो बॉईल करके अंडे खा सकते हैं, या दूध पी सकते हैं कैल्शियम के लिए, या एप्पल भी खा सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग में भूख बहुत लगेगी, बहुत कुछ खाने को आपको चाहिए, तो आपको थोड़े बहुत पैसे भी खर्च करना अपने खाने पे। आप याद रखना, जितने पैसे ट्रेनिंग में खाने पे खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आपके चेहरे पे चमक और बॉडी की फिटनेस होगी, फिर ट्रेनिंग के बाद में भी आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। नहीं तो होगा क्या कि आपको उस समय तो महसूस नहीं होगा, लेकिन 3 महीने बाद में फिर आपके सीन पेन में दर्द होगा ना, 12 महीने की ट्रेनिंग निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कैल्शियम वाली चीज़ें तो आपको 101% खानी, ड्राई फ्रूट्स खाते रहना है ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा, और शरीर को बचा के अच्छे से ट्रेनिंग करना। तो ये ट्रेनिंग का मेन्यू भी सफिशेंट है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी खाना चाहिए, क्योंकि जिस पे मेन्यू है वो तो नॉर्मल मेन्यू चलेगा ही, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली, तो शरीर को बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम ये सब चाहिएंगे, नहीं तो ग्रेस ख़त्म हो जाएगा पहले 3 महीनों में, फिर बाद में बहुत पछताओगे। तो इसलिए खाने पीने में कोई भी कंजूसी नहीं करना। घर से राजस्थान हरियाणा वाले यूपी वाले तो लड्डू लेके जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, तो लड्डू वड्डू लेके जाना, घी भी लेके जाना, दबा के खाना ट्रेनिंग में, और बढ़िया से खाना पीना, अच्छे से ट्रेनिंग करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।